केंद्र हो या राज्य सरकार, पेट्रोल डीजल उनकी कमाई का बड़ा जरिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है जो केंद्र और राज्य सरकारों के पास जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसका असर जमीन पर भी देखने को मिलता है और लोग उससे प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद देश में ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया, जिसके चलते देश की ऑयल कंपनियों को पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने पड़े। फिलहाल देश में पेट्रोल की औसत कीमत लगभग 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लीटर पेट्रोल की कीमत में टैक्स का हिस्सा करीब 50% होता है? चलिए इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत। ओपोई के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तेल कंपनियां तेल के दाम कैसे तय करती हैं। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स वसूलती हैं। देश में हर दिन देश की प्रमुख तेल कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल के दाम तय करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पेट्रोल डीजल कमाई का एक बड़ा जरिया है। वहीं सरकार की पेट्रोल डीजल से कमाई पर नजर डालें तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने 2022-23 के 9 महीने में 5,45,000 करोड़ रुपए की कमाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट से की थी। वित्त वर्ष 2021-22 में 7,74,425 करोड़ रुपए, 2020-21 में 6,72,719 करोड़ रुपए, वहीं 2019-20 में 5,55,370 करोड़ रुपए, 2018-19 में 5,75,632 करोड़ रुपए, 2017-18 में 5,43,026 करोड़ रुपए की आमदनी सरकारों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हुई थी। वहीं अगर आम आदमी के द्वारा पेट्रोल डीजल पर दिए जाने वाले टैक्स को उदाहरण के तौर पर समझें तो 1 मई 2023 दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए 96.72 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। इसमें 35.61 रुपए टैक्स के शामिल, जिसमें 19.90 रुपए केंद्र सरकार के खजाने में पहुंचते हैं और 15.71 रुपए राज्य सरकार के पास गया। इसके अलावा 1 लीटर पेट्रोल पर डीलर का कमीशन 3.76 रुपए बनता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 0.20 पैसे जोड़ा जाता है। साधारण भाषा में अगर आपको समझाएं तो इसे ऐसे समझें, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 57.15 रुपए है, फिर 0.20 पैसा ट्रांसपोर्टेशन का जुड़ता है। इस तरह की कीमत 57.35 रुपए पर पहुंच जाती है। फिर 19.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी का जुड़ता है जो कि केंद्र को मिलता है। फिर डीलर का कमीशन 3.76 रुपए और 15.71 वैट चार्ज जोड़ा जाता है। वैट की राशि दिल्ली सरकार को मिलती है। सब जोड़ देने के बाद कीमत 96.72 रुपए के करीब पहुंच जाती है। तो आशा करते हैं आपको ये गणित समझ में आया। इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।